Hello all, welcome back. So in this video we will talk about exercise 3.2 simultaneous linear equations chapter 3 applied maths. हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी exercise 3.1 की, तो अगर किसी ने पहले वो नहीं देखी हो तो वो जाके देख ले। हमने उसमें elimination method को सीखा था जो हमने class 10th में भी किया था। अब इस exercise से हमारा actual जो chapter है वो start हो रहा है, क्योंकि अब simultaneous linear equations आई है हमारे syllabus में exercise 3.2 से। तो question number first के 8 पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू माइनस 4। थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। अब देखो तीन इक्वेशंस है और तीनों इक्वेशंस को हमको यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन वन को इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर तो इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो क्या बन रही है 2x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 4 बन रही है। इसको बोल देते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब अगर हम इस इक्वेशन को सेकेंड वाली फोर्थ वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक करें या फोर्थ इक्वेशन में से सब्ट्रैक करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन फोर्थ ऐसा करते हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास 2x माइनस 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, या लिख लो एलिमिनेशन जैसे करते हैं वैसे कर लो, 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। और इधर है हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 4। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो इससे ये कट गया, ये हो गया 7y माइनस z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9 हो गया। ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। ऐसे ही हमको दो इक्वेशंस को यूज़ करके अगर हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो थर्ड और फोर्थ को अगर हम ऐड करें तो 3x प्लस 2x 5x हो गया माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 1 बन रही है। ये हो गई हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। ध्यान से देखो हमने क्या किया, थर्ड में फोर्थ को ऐड कर दिया, 3x प्लस 2x 5x माइनस y माइनस 4y माइनस 5y माइनस 2z प्लस 2z कैंसिल हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1। अब हमारे पास 7y माइनस z इज इक्वल टू 9 है, और इधर से क्या है हमारे पास, अच्छा इसमें से हमको इसको हटाना पड़ेगा, इसको ले नहीं सकते क्योंकि हमको एलिमिनेशन यूज़ करना है, तो हमको x को एलिमिनेट करना है। ये हमने यहाँ से x को एलिमिनेट कर दिया, ऐसे हम किसी एक और इक्वेशन से x को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन थर्ड में से 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, तो इक्वेशन थर्ड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 करें, इक्वेशन 2, तो क्या बन रहा है इक्वेशन 3 क्या है हमारी, 3x माइनस y माइनस 2z माइनस करना है 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 को। तो ये कितना हो गया 3x माइनस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इक्वेशन 3 क्या है, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4। तो इधर से 3x है, 3x कैंसिल, माइनस y प्लस 6y, 6y में से y गया तो 5y बचा, माइनस 3z माइनस 2z माइनस 5z इज इक्वल टू 3 प्लस 12। तो 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 15। तो y माइनस z की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये आ गई हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। और इधर से हमारे पास एक इक्वेशन आई है 7y माइनस z इज इक्वल टू 9, 7y माइनस z इज इक्वल टू 9। इसको एलिमिनेशन लगाते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, इससे ये कट गया, सॉरी इससे ये कट गया, 7y माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। एक बार y हमारा निकल गया, उठा के किसी एक में रख दो तो z आ जाएगा,
तो y मतलब 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 3, तो z की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो z आ गया माइनस 2। ये वैल्यूज़ को उठा के किसी एक इक्वेशन में रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, हमने सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं x माइनस 2y प्लस जेड, तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, माइनस 4। अब y की वैल्यू हमारी आई है 1, z की वैल्यू आई है माइनस 2, तो y की वैल्यू 1, z की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x की वैल्यू 0। तो ये आ गई x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो इस तरह से हमको तीन इक्वेशंस को यूज़ करना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं ऐसे ही, एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड, एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 3x प्लस 4y, तो मतलब क्या है, तीनों में से किसी एक वेरिएबल को हटा दो पहले, तो दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस निकाल लो और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो। जेड इज इक्वल टू माइनस 5, ये हो गए सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट और थर्ड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसमें से वाई वेरिएबल हट जाएगा हमारा। तो फर्स्ट और थर्ड में से अगर हम वाई वेरिएबल को हटाएं, तो इधर से करना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन लगा रहे हैं। एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू 7 और 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। साइन चेंज कर दिए, प्लस माइनस, प्लस की जगह माइनस, तो इससे ये कट गया। माइनस का x माइनस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 5। 12 माइनस 7 कितना था, 5। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसको बोल देते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या कर सकते हैं वाई को एलिमिनेट करने के लिए। अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस इक्वेशन सेकंड करें, तो भी हमारे से वाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन रहा है, 4x माइनस 4y प्लस 8z प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 माइनस 5। तो y इज 4y से 4y कैंसिल, 4x प्लस 3x 7x और 8z माइनस 5z कितना हो गया, 3z इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 माइनस 5 23। यह आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तो 7x प्लस 3z इज इक्वल टू 23, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस 3z इज इक्वल टू 15 हो गया। इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3x प्लस 3z इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 3 15, तो ये आ गया 15। नीचे वाली इक्वेशन क्या कह रही है, 7x प्लस 3z इज इक्वल टू 23, 7x प्लस 3z इज इक्वल टू 23। अब देखो क्वेश्चन एलिमिनेट होने में ही है, माइनस माइनस क्वेश्चन जस्ट सॉल्व होने में है बस। तो ये माइनस का 4x ये कट गया, इज इक्वल टू माइनस का 23 में से 8 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू 2 उठा के किसी एक में रख देते हैं तो x प्लस जेड कितना था, 3। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस x, तो z की वैल्यू आ गई 1। इनकी वैल्यूज उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू कितना है, 7। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस वाई प्लस 2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 2 माइनस 7, 4 माइनस 7, y की वैल्यू माइनस 3, तो y आ गया हमारा माइनस 3। तो इस तरह से हमको इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमको कह रहा है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2z, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45। थर्ड इक्वेशन है 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। सेकेंड और ये थर्ड। अब देखो ध्यान से देखो तो 3z से 3z कैंसिल हो रहा है, जैसे 2y से 2y भी कैंसिल हो रहा है, तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड कर देते हैं, डायरेक्ट ही हो रहा है हमारा। माइनस माइनस प्लस की जगह लगा दिया माइनस, तो ये माइनस का 5x, ये y कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस का कितना बचा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई, हमको कोई और एक और इक्वेशन चाहिए होगी जिससे हम z को एलिमिनेट कर सके, तभी हमारा पॉसिबल हो पाएगा सक्सेसफुली। अगर हम x की वैल्यू रख भी देते हैं किसी दो इक्वेशंस में, चलो z को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, तो इक्वेशन हमने कहा इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता है हमने 2 से, एंड प्लस माइनस करे किसको, माइनस इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ताकि z कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 2 को 2 से करे तो 2x प्लस 4y प्लस 6z माइनस इक्वेशन 1 को 3 से 12x माइनस 9y माइनस 6z इज इक्वल टू क्या आया 45 को 2 से करेंगे तो 90 माइनस 60 को 3 से करेंगे तो 180। सॉल्व कर लेते हैं, 6z से 6z कैंसिल हो गया, 2x माइनस 12x माइनस 10x और 4y माइनस 9y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 90। पूरी इक्वेशन को माइनस 5 से डिवाइड कर दिया तो 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 1 टाइम 5 5 8 टाइम 40। तो ये आ गई इक्वेशन। अब x की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो y इज इक्वल टू कितना गया 18 माइनस 2x, 2 ब्रैकेट 5, तो 18 माइनस 10 कितना आ गया 8, तो y की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 5। z की वैल्यू निकालनी है किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, z की वैल्यू यहीं पे कर देते हैं, तो z की वैल्यू, या चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, तो z की वैल्यू है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45, इसमें रख देते हैं। तो x की वैल्यू आई है हमारी 5 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू हमारी आई है 8 प्लस 3z इज इक्वल टू 45, तो 5 प्लस 16 प्लस 3z इज इक्वल टू 45, तो 3z की वैल्यू 16 प्लस 5 21, 45 माइनस 21 इज 24, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो z की वैल्यू आ गई 8, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4th की बात करते हैं। पार्ट 4th हमको कह रहा है, या इधर से स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4th में इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 4 है। अब देखो x प्लस y प्लस z है नीचे वाली इक्वेशन, उसको पहले लिख लेते हैं, या चलो लिख लेते हैं 2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 है, और थर्ड इक्वेशन है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करें तो हमारा y एलिमिनेट हो रहा है ना, या फिर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा x और z दोनों ही एलिमिनेट हो रहे हैं। तो रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, तो कितना आ रहा है, x से x कैंसिल हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया हमारा डायरेक्ट y इज इक्वल टू माइनस 1, y की वैल्यू माइनस 1 आ गई,
उठा के किसी एक में रख दो, दोनों इक्वेशंस में रख देते हैं फर्स्ट और थर्ड में, तो एक्स माइनस माइनस वन प्लस जेड इज इक्वल टू फोर है, तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई, फोर माइनस वन कितना हो गया थ्री। ऐसे ही इस इक्वेश को बोल देते फोर्थ इक्वेशन, ऐसे ही हमने क्या किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू है, तो वाई की वैल्यू माइनस वन है, तो एक्स प्लस जेड माइनस वन को उधर ले गए, टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, तो यहाँ से भी सेम ही आ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे, तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हमको। हमने क्या करना है, एलिमिनेट करते हैं इसको, वैल्यू रख के कोई फ़ायदा नहीं हुआ अभी। अगर हम क्या करते हैं y को एलिमिनेट करें, फर्स्ट प्लस सेकंड करें, फर्स्ट इक्वेशन वन प्लस सेकंड करें, तो y एलिमिनेट हो रहा है, तो क्या बन रही है थ्री एक्स माइनस टू जेड इज इक्वल टू फोर बन रही है। ऐसे ही अगर हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड करें, तो x टू एक्स प्लस टू जेड इज इक्वल टू सिक्स बन रहा है ना, तो ऐड कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, फाइव एक्स इज इक्वल टू टेन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू, एक्स की वैल्यू टू आ गई, वाई की वैल्यू माइनस वन आ गई, रख देते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर, इसमें वैल्यूज़ रखे एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू माइनस वन प्लस जेड इज इक्वल टू फोर, टू प्लस वन प्लस जेड इज इक्वल टू फोर, तो जेड इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री, जेड की वैल्यू कितनी आ गई वन, तो जेड हमारा कितना आ गया वन, तो जेड की वैल्यू वन आ गई, एक्स की वैल्यू टू आ गई, वाई की वैल्यू माइनस वन है, ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिफ्थ पार्ट, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, टोटल एट पार्ट्स हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ही, फिफ्थ पार्ट करते हैं। हमको इक्वेशंस दी हुई है एट एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री जेड, फोर वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है नाइनटीन। देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है चैप्टर, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फोर्टी फाइव इज इक्वल टू फोर्टी फाइव। नेक्स्ट है एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, अच्छा इक्वेशन गलत लिख दी, ऊपर वाली इक्वेशन गलत लिख दी हमने, इक्वेशन क्या है हमारे, हमको क्या दी हुई है टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो कितना दिया हुआ फाइव, और थर्ड इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ सेवन। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना है हमको। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन को फोर से मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इक्वेशन वन माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड, तो कितना आ रहा है एट एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री जेड, थ्री जेड माइनस फोर मल्टीप्लाई टू एट एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर जेड इज इक्वल टू फाइव फोर ट्वेंटी, और ये नाइनटीन माइनस ट्वेंटी। तो देखो वाई से फोर वाई से फोर वाई कैंसिल हो गया, एट एक्स से एट एक्स कैंसिल हो गया, थ्री जेड माइनस फोर जेड माइनस जेड इज इक्वल टू कितना गया माइनस वन, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई वन, जेड की वैल्यू हमारी आ गई वन। अब अगर हम z की वैल्यू 1 रख देते हैं इसमें, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाती है 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना बन रहा है 4, 5 माइनस 1 4 हो गया। ऐसी थर्ड इक्वेशन क्या बन जाती है x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 2 5। अगर हम सेकेंड वाली इक्वेशन को, अब जो इक्वेशन आई है ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन, ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन, ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तो अगर हम इक्वेशन फाइव को टू से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास जो डिजिट्स बन रही है वो कितनी हो जाएगी टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टेन, और ये इक्वेशन को हम एज इट इज़ लिख देते हैं टू एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, ताकि हम x के कोफिशेंट को सेम कर सकें, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। इससे ये कट गया, थ्री वाई इज इक्वल टू कितना गया सिक्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई टू, y की वैल्यू आ गई टू, x की वैल्यू हमको निकालनी है, रख देते हैं किसी एक में, x प्लस टू वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू सेवन, तो x प्लस टू वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू सेवन है, तो x प्लस टू ब्रैकेट y की वैल्यू हमारी कितनी आई है टू, और z की वैल्यू आई है वन, वन इज इक्वल टू सेवन, तो x प्लस फोर प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, तो x इज इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई वन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट हमको क्या कह रहा है, सिक्स पार्ट कह रहा है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर, नेक्स्ट टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू, नहीं 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 ये हमने फोर्थ क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन ही दूसरा है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फोर है, और फिर इक्वेशन है x माइनस टू वाई माइनस टू जेड, एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू नाइन है, फिर है टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन, तो ये इक्वेशंस है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें तो x फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करें तो हमारा x एलिमिनेट हो रहा है डायरेक्टली, तो अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें, फर्स्ट माइनस सेकंड करें, तो क्या बन रहा है, x से x कट रहा है, तो लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू फोर माइनस नाइन, तो x से x कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस टू वाई कितना हो गया y, z प्लस टू जेड थ्री जेड इज इक्वल टू कितना गया माइनस फाइव, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ऐसे ही अगर हमको x को एलिमिनेट करना है तो हम इक्वेशन थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन वन कर देते हैं, तो टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू वन माइनस फोर मल्टीप्लाई टू एट, तो टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो गया, वाई प्लस टू वाई थ्री वाई, थ्री जेड माइनस जेड माइनस टू जेड, थ्री जेड माइनस टू जेड कितना हो गया जेड इज इक्वल टू वन माइनस एट माइनस सेवन माइनस सेवन, ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हमको कह रहा है थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन वाई माइनस सिक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू सेवन, सिक्स अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन वाई माइनस थ्री अपॉन जेड इज इक्वल टू सिक्स, टू अपॉन एक्स प्लस एट अपॉन वाई प्लस नाइन अपॉन जेड इज इक्वल टू थ्री। तो अगर हम देखो, जब भी हमको कुछ कॉमन दिखता है तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, हमको कॉमन दिख रहा है इनमें वन बाय एक्स, वन बाय वाई, वन बाय जेड। तो हमने मान लिया लेट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, एंड वन अपॉन जेड इज इक्वल टू सी। तो ये इक्वेशंस क्या बन रही है, वन अपॉन एक्स, अगर हम इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो ये क्या लिखा हुआ है, थ्री ब्रैकेट वन बाय एक्स प्लस फोर ब्रैकेट वन बाय वाई प्लस सॉरी माइनस सिक्स ब्रैकेट वन बाय जेड, यही लिखा हुआ है ये इज इक्वल टू सेवन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स को ए लिया है तो हमने थ्री ए हो गई प्लस फोर बी हो गई माइनस सिक्स सी हो गई इज इक्वल टू सेवन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन सिक्स ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू सिक्स, ऐसी तीसरी टू ए प्लस एट बी
प्लस 9c इज इक्वल टू 3, ये आ गई हमारी इक्वेशंस। तो अगर हम तीन इक्वेशंस है, अब की बार हमारे पास ये हो गई फोर्थ कह लो, इसको फिफ्थ कह लो, और इसको कह लेते हैं सिक्स्थ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब की बार इक्वेशन 4, 5 और 6 है, तो अगर हम इक्वेशन 5 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट करें, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 4 करें, क्योंकि 4 है ना ये, तो 6a माइनस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 6 है, और ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 4 कितना हो गया 6a माइनस सॉरी प्लस 8b माइनस 12c इज इक्वल टू 14, ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस प्लस की जगह आ गया माइनस, इससे ये कट गया, माइनस 10b 12 माइनस 3 कितना हो गया 9c इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8, तो ये हो गई हमारी सेवेंथ इक्वेशन। ऐसे ही अगर हम करें इक्वेशन 5 माइनस थ्राइस ऑफ इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 माइनस थ्राइस ऑफ इक्वेशन 6 करें, तो इक्वेशन 5 एज इट इज़ 6a माइनस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 6, और थ्राइस ऑफ इक्वेशन 6, और 3 2 6a प्लस 8 3 24 b प्लस 9 3 27 c इज इक्वल टू 3 3 9, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, इससे ये कट गया, माइनस का 26b माइनस 30c इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन, थोड़ी सी स्ट्रेंज, थोड़ी सी अजीब सी इक्वेशन आई है, पर देखते हैं आंसर क्या निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई हमारी सेवेंथ एट्थ इक्वेशन। अब सेवेंथ इक्वेशन में हमारे पास 10b और 9c था, इसमें हमारे पास ये है 10b और 9c, तो इसको इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 9c था तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 8 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड इक्वेशन 7 मल्टीप्लाई बाय 30 करते हैं, तो क्या आता है 7 को 30 से, तो माइनस का 300, माइनस का 300b, ठीक है, प्लस 9 3 27 270c इज इक्वल टू 8 3 24, माइनस का 240, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 26 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, तो क्या आ रहा है 26 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारा आ रहा है 234, तो ये आ गया माइनस का 234b माइनस का 270c इज इक्वल टू 9327 माइनस का 27, साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज मत करो क्योंकि ये सेम साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का 534b इज इक्वल टू कितना गया 267, तो अगर हम 267 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 534 आ रहा है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी इज इक्वल टू 267 अपॉन 534 माइनस का, तो बी की वैल्यू आ रही है -1/2, बी की वैल्यू -1/2 आ रही है, उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो माइनस का 26 ब्रैकेट -1/2 माइनस 30c इज इक्वल टू -3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 13 हुआ प्लस का, तो -30c इज इक्वल टू -3 -13, तो ये कितना हो गया -16 -30c, इससे ये कैंसिल हो गया, 13 प्लस का 13 हुआ था, सॉरी ये माइनस का है इधर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का होएगा, ये प्लस का होएगा, तो ये भी प्लस का होएगा, ये प्लस का हो गया, तो ये कितना हो गया 10, तो ये हमारे पास आ गया 10,
सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन -30, तो सी की वैल्यू आ गई -1/3, तो सी आ गया -1/3, बी आ गया 1/2, उठा के किसी एक में रख देते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू के लिए उठा के रख देते हैं 2a +8b+9c इज इक्वल टू 3 था, 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1/2, 8 ब्रैकेट 1/2 प्लस 9 ब्रैकेट c की वैल्यू कितनी आई है -1/3, -1/3 इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 4 प्लस प्लस की जगह आएगा माइनस, क्योंकि माइनस का 3 बच रहा है इज इक्वल टू 3, ये 1 बचा, 2a इज इक्वल टू 2 हुआ, a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू हमने क्या मानी, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। b की वैल्यू 1/2, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। c की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू कितनी आई है -1/3, तो 1 अपॉन z इज इक्वल टू -1/3, तो z की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये हमारा था पूरा सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन किया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है इसका, पार्ट 8th। तो पार्ट 8th हमको कह रहा है x/3 -y/2 इज इक्वल टू -y/2 + z/8 इज इक्वल टू 1। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसी इक्वेशन को यहीं पे। तो ये 8 LCM आ रहा है पूरे का, 8 को LCM ले लिए तो ये कितना हो गया, 8 LCM नहीं आ रहा, 24 LCM आएगा। तो 3 8 times 24, तो 8x - 12y + 3z इज इक्वल टू 1। तो 8x - 12y + 3z इज इक्वल टू 24, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए 2x/3 + y/4 + z/2 इज इक्वल टू 17/4 है, वही एलसीएम ले लिए, 12 LCM आ रहा है। तो 3 4 times 4 to 8x + 3y + 6z इज इक्वल टू 17/4, तो ये 3 आ गया, 17 × 3 कितना हो गया 51, तो 8x + 3y + 6z इज इक्वल टू 17 × 3 = 51, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ऐसी थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन x/6 + 3y/2 निकालेंगे तो क्या, ये दी हुई है इक्वेशन हमको, बस हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एलसीएम आ रहा है वापस 12, तो 2x + 6 3 18y + 4 times z = 3, तो यहाँ से क्या आ गया 2x + 18y + 3z = 36। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को में इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 8x 8x दोनों में आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 जब हम करेंगे, 1 - इक्वेशन 2, तो 8x से 8x कैंसिल हो गया, क्या बचा -12 - 3 - 15y, इधर से क्या बचा 3z - 6z - 3z - 3z इज इक्वल टू 24 - 51, तो 24 25 51 26 27 - 27 बच रहा है। तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा, -3 से डिवाइड कर दिए तो क्या बचा 5y + z इज इक्वल टू 9, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन।
अब हम देखते हैं और किसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम वाई को हटाने के, एक्स को हटाने के लिए। अगर हम देखें तो इक्वेशन सेकंड माइनस फोर टाइम्स इक्वेशन फर्स्ट करें, इक्वेशन सेकंड माइनस फोर टाइम्स इक्वेशन फर्स्ट करें तो भी हमारा एक्स एलिमिनेट हो रहा है। तो इक्वेशन सेकंड माइनस फोर टाइम्स इक्वेशन फर्स्ट, फोर टाइम्स इक्वेशन थर्ड, तो क्या आ रहा है इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, एट थ्री और सिक्स 51, तो 8x 3y 6z 51 क्या था प्लस का, प्लस का ऐसे ही जो थर्ड इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 8x 18 टू टाइम्स 36 72 72y और 3 को हमने किया किससे मल्टीप्लाई, 4 से, 4 3 12 12z इज़ इक्वल टू 36 टू टाइम 72 का डबल 144, साइन चेंज कर दिए इससे ये कट गया। अब 72 माइनस 3 तो माइनस का 69y माइनस 12z था, ये 12z है ना, 12z, तो ये माइनस का 6z और ये क्या बचा 144 में से 51 गया तो क्या बच रहा है, 4 में से 1 गए तो 3, 14 में से 5 गए तो 9 93। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दी तो माइनस का 23y माइनस माइनस 2z इज इक्वल टू 31, ये आ गई। पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, 10y प्लस 2z इज इक्वल टू 18, ऐड कर दिए, 2z से 2z कैंसिल, माइनस का 13y इज इक्वल टू 839 49। अच्छा ये 51 माइनस 144 माइनस का 93 होएगा, तो माइनस का 93 इसको ले लेते हैं, ये माइनस का 93 हो गया तो ये माइनस का 31 हो गया, माइनस के 31 था। अच्छा ये पूरा, अगर हम इसको पूरे को माइनस से डिवाइड कर देते तो सारे प्लस के हो गए, ये सारे किसके हो गए, प्लस के, है ना। अब सबट्रैक करते हैं तो 23 माइनस 10 प्लस का 13 हो गया और इधर से ये कितना हो गया, ये कितना आएगा 31 माइनस 18, भाई साइन चेंज किया ना हमने, इधर प्लस की जगह माइनस किया, ये माइनस किया और ये प्लस की जगह माइनस किया, तो 31 माइनस 18 कितना होता है, 13 होता है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1, y की वैल्यू 1 आ गई, उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो, हमको पता है 23y प्लस 2z इज इक्वल टू 31 है, 23y प्लस 2z इज इक्वल टू 31 प्लस 2z इज इक्वल टू 31, तो y की वैल्यू 1 आई है तो 23 प्लस 2z इज इक्वल टू 31, 2z की वैल्यू कितनी आ गई, 31 माइनस 23, तो 11 में से 3 गए तो कितना बचता है, 8, तो z की वैल्यू 8 अपॉन 2, z की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो z की वैल्यू आ गई 4। उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, ईजी वाली इक्वेशन ले लेते हैं, कैलकुलेशन जिसमें ईजी हो, तो कैलकुलेशन ईजी वाली तो कोई सी भी नहीं है, सभी ऐसी है, किसी एक में रख दो, रख देते हैं 2x प्लस 18y प्लस 3z इज इक्वल टू 36, तो 2 18 3 36, 2x प्लस 18y प्लस 3z इज इक्वल टू 36 है, तो 2x प्लस 18y की वैल्यू 1 है प्लस 3z की वैल्यू 4 है 36, 2x प्लस 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 36, 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 36, 2x की वैल्यू कितनी हो गई 6, x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो x की वैल्यू 3 हो गई, z की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका।
तो इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है एक छोटी सी। इस क्वेश्चन में हमने साइन का गड़बड़ किया है। 3z माइनस 2z प्लस का z होएगा। तो इक्वेशन 5 माइनस थ्राइस ऑफ इक्वेशन 4 करते हैं, तो इक्वेशन 5 क्या है, 3y प्लस जेड माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 4। तो 3y माइनस 9z इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 15। तो ये कितना हो गया, 3y से 3y कैंसिल, माइनस का 8z इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। जेड की वैल्यू आ गया माइनस 1। जेड की वैल्यू उठा के हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो 3y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 7। 3y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 7। 3y प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7। 3y इज इक्वल टू माइनस 6। y इज इक्वल टू माइनस 2। तो y आ गया हमारा माइनस 2। इन दोनों की वैल्यूज उठा के x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 में रख देते हैं। तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो x माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हुआ। पहले हमने कुछ साइंस की प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है आने वाले फ्यूचर की वीडियोस को देखने के लिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं।